हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आप सभी का है स्वागत। आज मैंने चना दाल तड़का बनाया है, बहुत ही मज़ेदार। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक थी तो मैंने नहीं डाली थी वीडियो, तो आज से मैं वीडियो प्रॉपर डालूँगी। तो यहाँ पर चना दाल तड़का बनाने के लिए मैंने ये दाल ली है, चने की है, और इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको भिगा के रख दिया था और 3 से 4 पानी से इसको वॉश कर लिया था अच्छे से। तो दाल को हमने 15 से 20 मिनट इसलिए भिगाया था क्योंकि ये मोटी वाली दाल होती है। और यहाँ पर हमने लिया है 2 प्याज 2 टमाटर, लहसुन और अदरक है 1 इंच, और 3 हरी मिर्ची। तो सारी चीज़ों को हमने पहले ही तैयार करके रखा है। तो मैं इसमें कुकर में बना रही हूँ। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालते हैं हम 1 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ते डालते हैं। अब इसमें हम अदरक और लहसुन और हरी मिर्च, ये तीनों को हमने चॉप कर लिया था। अब इसको कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें डाल रहे हैं हम प्याज। प्याज को हमने जो है ना भूनना नहीं है, मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हमने प्याज को भूनना है। इसको 1 मिनट तक पका लेते हैं प्याज को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको 1 मिनट तक इस तरीके से कर लिया है, ये मतलब मैंने इसको भूना नहीं है प्याज को। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कच्ची प्याज का। अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, इससे टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो मैं इसमें डालती हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ और गैस को हम बहुत ही ज़्यादा स्लो रखेंगे। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको टमाटर को चेक कर लेती हूँ। फिर से कवर कर देती हूँ इसको। तो यहाँ हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चने की दाल में अगर कस्तूरी मेथी डालिएगा तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हमने पहले डाल दिया था। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब मसाले को हम कुछ सेकंड और भूनेंगे। तो मसाला बिल्कुल हमारा तैयार है। अब इसमें हम जो दाल है हमने भिगा के रख रखी थी ये डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम 1 मिनट तक इसको दाल को मसाले के साथ पका लेंगे। पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, 1 मिनट के बाद करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको 1 मिनट अच्छे से पका लिया दाल को मसाले के साथ। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 2 गिलास या 2.5 गिलास के करीब पानी डालूँगी। यहाँ मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, उसको भिगा लिया था, और इसमें 2.5 गिलास में पानी डाल लिया है।
अब इसमें हम ढक्कन बंद करके और इसको मीडियम पे छोड़ देंगे, और हम इसमें 3 सीटी लगा देंगे, मीडियम पे 3 सीटी। फिर उसके बाद जब तक इसका प्रेशर नहीं निकलेगा कुकर का, तब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर 3 सीटी मैंने लगा ली थी और इसको ऐसे ही रहने दिया था। तो दाल हमारी लगभग रेडी हो चुकी है, ये देखिए, और ये चावल के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखिए हमारी जो दाल है बहुत ही बढ़िया, और देखो घुली भी नहीं है, बहुत खड़ी खड़ी दाल बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ ये देसी घी में, मैंने लहसुन को भून रखा था और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी थी। तो ये तड़का हमारा बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा गार्निश के लिए हम डाल देते हैं ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च, और दाल बन के हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दाल तड़का की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में।